नमस्ते बच्चों, आज जो है आपका हिंदी विषय का काम करते हैं और हिंदी विषय में आज आपके अगले कवि हैं कवि तुलसीदास और इनकी जो कविता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये कविता बच्चों कवि तुलसीदास के द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। और इस ये जो यहाँ पर कवि तुलसीदास ने जो अपने पद जो दे रखे हैं दोहा चौपाई, इनके माध्यम से उस समय का वर्णन किया गया है जब राजा जनक अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर का आयोजन कर रहे हैं और उसमें श्री राम जो है वो शिव के धनुष को तोड़ देते हैं। शिव के धनुष को तोड़ने के बाद वहां पर उपस्थित सभी लोग जो हैं वो प्रसन्न होते हैं, राजा जनक भी प्रसन्न होते हैं और सीता की मनोकामनाएं जो है वो मनोकामना जो होती है वो पूरी होती है। लेकिन जब इस बात का परशुराम को पता चलता है तो वह सभा में आता है और बहुत ही क्रोधित होता है क्योंकि परशुराम जो है वो शिव का भक्त है और शिव के धनुष के टूटने पर जो है वो बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होता। तो इसमें बच्चों पहले आपको जो है भाव सौंदर्य लिखना होता है, फिर शिल्प सौंदर्य लिखना होता है, फिर भाषागत विशेषता आपको बतानी होती है। तो सबसे पहले जब आप भाव सौंदर्य लिखोगे तो उसमें आप लिखोगे कि प्रस्तुत पद या प्रस्तुत पंक्तियां, सीधा प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग दो में से कवि तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई है। इसमें आगे कवि बताते हैं कि जब परशुराम सभा में पहुंचते हैं तो वे बहुत ही क्रोधित होते हैं और क्या कहते हैं, नाथ शंभु धनु भज निहारा, कोई ही केहू एक दास तुम्हारा। सभा में उपस्थित होकर सबसे पहले पूछते हैं कि शिव के धनुष को किसने तोड़ा है। तो उस समय श्री राम बड़े ही विनम्र स्वभाव से कहते हैं कि हे नाथ शंभु धनु शिव के धनुष को भज निहारा, तोड़ने वाला कोई ही केहू एक दास तुम्हारा, आपका कोई अपना दास ही होगा। के हे नाथ शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका अपना सेवक ही होगा। आयेशु कहा कहिए किन मोही, कहो मेरे लिए क्या आज्ञा है। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, यह सुन करके मुनि परशुराम जी जो है वो और भी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवक वह होता है जो अपने स्वामी की सेवा करता है। अरि करनी करी करिए लड़ाई, जो शत्रुता का काम करे उसके साथ लड़ाई करनी चाहिए। अर्थात जो शत्रुता का काम करता है वह सेवक कभी भी नहीं हो सकता। सुनहिं राम जेहि शिव धनु तोड़ा, परशुराम जी कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है स अस्त्र बाहु सम सोरी पुमोरा, वह स अस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। रिपु का मतलब क्या होता है बच्चों, शत्रु। वह स अस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाव भी हाय समाजा, इसलिए वह इस सभा से अलग हो जाए। वैसे तो समाजा का मतलब क्या होता है बेटा, समाज, लेकिन यहाँ पर उस सभा से लिया गया है इसका अर्थ कि वह इस सभा से अलग हो जाए। न ते मारे जेहि सब राजा, नहीं तो सब राजा लोग मारे जाएंगे, सभा में उपस्थित सभी राजा लोग मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, परशुराम के ऐसे वचनों को सुन करके लक्ष्मण जी जो है वो मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशु धराई अवमाने, और परशुराम की बात की अवमानना करते हुए कहते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बहु धनुई तोरी लरिकाई, लरिकाई का मतलब क्या होता है, बचपन में। कि
हमने बचपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं। तब उन्हें ऐसी रिश्की नहीं गोसाई, लेकिन कभी भी किसी ने हमारे ऊपर क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु तुम्हारा इस धनुष से ऐसा क्या अलग से लगाव है? सुनी ऋषि कह भृगु कुल केतु। सुन करके भृगु कुल के ऋषि जो है वो और भी क्रोधित हो जाते हैं और क्या कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत ताही न समार। नृप बालक, हे नृप का मतलब राजा, राजा के बालक अर्थात हे राजकुमार, हे राजकुमार क्या तुम काल को बस नहीं करके आए हो तो ही न समार, जो कि तुम संभल कर नहीं बोले रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। ये सारा संसार, सकल सारा संसार विदित जानता है कि शिव का धनुष जो है वो सब धनुषों के समान नहीं है। तो यहाँ पर ये बच्चों उस समय का वर्णन किया गया है कि जब परशुराम जो है सीता के स्वयंवर के समय वहां सभा में उपस्थित होते हैं और बहुत ही क्रोधित होकर पूछते हैं। राम बड़े ही विनम्र स्वभाव से उनको बताते हैं कि शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका अपना ही सेवक होगा, लेकिन जो है परशुराम जी और भी क्रोधित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि सेवक का काम जो है सेवा करना होता है, शत्रुता का काम करना नहीं होता। उसके बाद लक्ष्मण भी जो है उनको जो है बताते हैं कि ऐसे हमारे लिए ये कोई अलग से धनुष नहीं था, हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं लेकिन कोई भी हमारे ऊपर क्रोधित नहीं हुआ। फिर उसके बाद बच्चों आपको बताना है इसका शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में आपने बताना कि ये पंक्तियां जो है वो इस पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है, किस बात का वर्णन किया गया है। तो इस पद में कवि ने परशुराम के अभिमानी और आत्म प्रशंसक स्वभाव का वर्णन किया है। इसमें बच्चों अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, दोहा एवं चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है, संवाद एवं व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, ओज गुण विद्यमान है। ये आपने शिल्प सौंदर्य में बतानी है। इसके बाद आगे आपकी भाषागत विशेषताएं आती हैं और भाषागत विशेषता में आपने बताना कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, भाषा ओज गुण संपन्न है और कवि के कथन में स्पष्टता है। तो ये आपका बच्चों हो गया तुलसीदास का पहला जो है पद, इसमें जो दे रखा है। इसके बाद जो है इससे संबंधित आपका मैंने जो है पिछले जो कवि करवाए थे उसमें भी बताया था कि इससे संबंधित आपके दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक भाव सौंदर्य शिल्प सौंदर्य भाषागत विशेषता और एक जो पद्यांश दे रखा होता है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपने अच्छी तरह से करना है बच्चों, इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर है वो भी आपने करने हैं।